हाय एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जिन भी स्टूडेंट ने जो है 5th राउंड में चॉइस फिलिंग भरी थी, उनके लिए जो है आज जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। तो उनको चेक करने के लिए कि अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको ITI सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर ITI सर्च करते हो, यहाँ पर नीचे आपको दिल्ली ITI है, यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आज जो है आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन जो है डाल देना है, और फिर साइन अप कर लेना। जैसे अभी हम डाल देते हैं और साइन अप करते हैं। तो जैसे आप जो है पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर जो है साइन अप करते हो, तो यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप जो है यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आ जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट का यहाँ पर दिखा रखा है, डियर कैंडिडेट्स, योर फील्ड चॉइस नो सीट बिन अलॉटमेंट योर्स इन दिस राउंड। तो इस स्टूडेंट का जो है इस राउंड में जो है नाम नहीं आया है 5th राउंड में। अगर आपका आता है तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नेम और आपको ट्रेड कौन सा भरा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी हमारी वीडियो से और समझ गए होंगे। और अब जो है डाउट यह है कि जो 5th राउंड के बाद क्या 6th राउंड चलेगा। तो अगर सीट बचती है तो 6th राउंड भी चलने के चांस है। अगर जब भी चलता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, ताकि जैसी जिस तरह भी ऐसी वीडियो आती है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके मुझे अपने पर्सनली जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।